सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा उपपद विभक्ति कारक। जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम वापस से रिवीजन कर रहे हैं इसका, तो ध्यान से देखना। कारकम यानी कारक, तो पहले तो ये देखो कारक में धातु कौन सी होती है। कारक में कौन सी धातु होती है? त्री धातु होती है और लघु कृत्रिम होता है। कारक में कौन सी धातु होती है? त्री धातु होती है और नवुल पट्टे होता है, और इन दोनों से मिलकर बना है। त्री धातु और नवुल पट्टे से मिलकर कारक बना है। क्या बना है? कारक बना है, क्योंकि नवुल का मुंह भाग शेष रहता है, ल और ण का युग ये शेष वो शेष रहता है, और एक सूत्र है युवर नाक है। युवर नाक है, इस सूत्र से क्री का कारक यानी क्री का तो होता है, क्री का कर्म शेष रहता है, और इसका मतलब युवर नाकों से अक शेष रहता है, अक आ जाता है, तो ये बन जाता है कारकम। ठीक है, तो इसी तरह है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कारक शब्द बना किन शब्दों से है। तो कारक शब्द है वो क्री धातु और नूल प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है, अब कारकों की संख्या हम वैसे तो पढ़ते आ रहे हैं कि कारक आठ होते हैं, हिंदी में कारक आठ होते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में कारक कितने होते हैं? छह होते हैं। छह क्यों होते हैं? क्योंकि पहला कारक जो होता है कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक होता है, और लास्ट में होता है संबोधन। तो कर्ता और संबोधन दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो संबोधन को इसमें इंक्लूड कर दिया, इसमें कर्ता कारक में। तो ये तो हो गया एक, तो सात आठ थे, अब बच गए छह, सात आठ में एक इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो कितने बच गए? सात बच गए। सात में से भी एक है वो षष्ठी विभक्ति वाला है, जो संबंध कारक वाला होता है, तो क्योंकि क्रिया कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध इसमें नहीं होता है, इसलिए संबंध कारक को भी इससे अवॉइड कर दिया है। तो इसलिए इसे कारक कितने बच गए? छह बच गए। और वो छह कारक जो बच्चे हैं, मैं यहाँ आपको उसका एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है मैंने कि हे मनुष्य, हे मनुष्य, नर देवस्य पुत्र है, जय देव है, स्व हस्ते कोशात निर्गृहे भी ग्रामे जन्म ददाति। हे मनुष्य यानी हे मनुष्य, हे मनुष्य, मनुष्य यहाँ पर क्या है? बहुवचन का प्रयोग है, जैसे राम है रामौ रामः। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य 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 यहाँ पर क्या है? प्रथम उसका बहुवचन है। तो हे मनुष्यो, नर देवस्य, यहाँ पर देखो विस्मय बोधक चिन्ह लग रहा है। ठीक है, तो नर देवस्य यानी नर देव के, नर देव पुत्र यानी कौन सी भक्ति है? षष्ठी भक्ति है, संबंध है जिससे पुत्र से संबंध है, तो षष्ठी भक्ति है इसके अंदर। तो नर देवस्य पुत्र, नर देव पुत्र, नर देव का पुत्र कौन है? जय देव, यानी जय देव ने स्व यानी अपने हस्ते यानी हाथ से पोशाक यानी खजाने से निर्भय यानी निर्गुणों को ग्रामे यानी गांव में धनम यानी धन ददाती यानी देता है। ठीक है, कि हे मनुष्यों, नर देव पुत्र जय देव अपने हाथ से खजानों खजाने से निर्गुणों को क्या देता है? धन देता है। तो यहाँ पर देखो अपने सारे कारक समझ में आ जाएंगे। जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कह ददाति, कह ददाति, ठीक है, क्या देता है? कह ददाति क्या देता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या देता है? कह ददाति यानी कौन देता है? तो नर देवस्य, नर देव देता है। क्या आ जाएगा? नर देवस्य। अब यहाँ पर कारक कौन सा है? कारक इसके अंदर कर्ता कारक है, कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। विभक्ति कौन सी होगी? कर्ता कारक में मैंने बताया था आपको, विभक्ति कौन सी होती है श्रुति बेटा? कौन सी विभक्ति होती है कर्ता कारक में?
प्रथमा। प्रथमा, वेरी गुड। तो उसमें विभक्ति हो गई प्रथमा, ठीक है। एक तो होता है कारक विभक्ति और एक होता है उपपद विभक्ति। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कारक विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति क्या होती है, क्योंकि कारक का तो सीधा संबंध होता है और उपपद विभक्ति में जो पद होते हैं उनसे उसका संबंध होता है, तो इसलिए उसको उपपद यानी उसके ऊपर आधारित रहता है, वो वाक्य है वो उस पद के ऊपर आधारित रहता है, इसीलिए उसको उपपद विभक्ति कारक कहा जाता है। अब देखो, कर्ण ददाति कौन देता है, तो नरस्य ददाति। उत्तर क्या हो जाएगा, नरस्य कि नर देव देता है। कर्ता कारक हो गया और विभक्ति कौन सी होगी प्रथमा। कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। अब अगला है किम ददाति, किम ददाति यानी किम ददाति यानी क्या देता है, किम यानी क्या देता है, तो क्या देता है धनम, धनम ददाति, क्या देता है धनम। धन धनम। परम कारक द्वितीया। संप्रदान क्लास का है को आंगली का सब टूटा रहे, तेरी आंगली आंगली चल तेरी निकली आंगली रहे, राक्ष समझे रहे, है राक्ष। मेरी आंगली यही रहेगी। संप्रदान में तेरा विश्वास मन पे रखे है, यो के बोलियो
बंदे को निधिर पर विश्वास है तू तू कोई जय सामू आंगली चला रहे हो नहीं तो तेरी माँ या ना बार बार में बोल नहीं आ गई को आ गया को नहीं आ गई वो बार बार में क्या हो गया बार कस्माद ददाती यानी कहाँ से देता है किससे देता है उतने वो बोले क्या है उसका ददाती यानी किससे देता है तो किससे देता है कोसाब यानी खजाने से देता है कहाँ से देता है खजाने से देता है तो खजाने का यहाँ पर क्या अर्थ है कोसा क्या है कोसा विभक्ति कौन सी आ गई यहाँ पर अपादान कारक हो गया अपादान और अपादान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है पंचमी पंचमी विभक्ति का इसमें विभक्ति कौन सी आ गई पंचमी ठीक है अब आगे है पुत्र ददाती कहाँ देता है तो कहाँ देता है गांव में देता है क्या तो आ जाएगा ग्रामे ठीक है अब इसमें कौन सी भक्ति है कौन सा कारक है अधिकरण कारक है कौन सा कारक है अधिकरण और अधिकरण में कौन सी भक्ति होती है सप्तमी भक्ति होती है अधिकरण में कौन सी भक्ति सप्तमी अब देखो यहाँ पर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो हो गई विभक्ति ये हो गए कारक ये हो गए प्रसल और ये हो गए इनके उत्तर यानी ये है कारक प्रथमा विभक्ति में यानी कर्ता कारक का होता है क्या ददाती यानी नर देवस्य ददाती किम ददाती धनम ददाती केन ददाती स्वहस्तेन ददाती केभ्य ददाती दीर्घनेभ्य ददाती कस्मात् ददाती कोसात् ददाती पुत्र ददाती ग्रामे ददाती तो देखो हम जैसे प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसमें भी यही होगा कि कह यानी किसके लिए यानी किसी का नाम पूछा जाता है तो यहाँ पर कह का प्रयोग होगा ठीक है किसी वस्तु के बारे में पूछा जाता है तो किम का नाम होगा ठीक है और किसके बारे में किसी के बारे में यानी मतलब जो माध्यम क्या होता है उसके लिए होगा के भे यानी चतुर्थी भक्ति में हमेशा के भे का जैसे मैंने आपको कह के सकृत दिखाए थे पुलिंग स्त्री नपुंसक लिंग में तो उसी तरह के भे होगा धातु अगर सकृत हम पर पढ़ते हैं तो चतुर्थी भक्ति में के भे शब्द का प्रयोग होता है तो हम उत्तर भी चतुर्थी भक्ति में ही उनका देंगे तो वैसे ही पंचमी भक्ति में होता है अकस्मात तो उसी तरह इसी में ही आ गया कोसा तो हे मनुष्यों नर देव पुत्र जय देव अपने हाथ से स्वर हस्ते अपने हाथ से तो स्वर हस्ते अपने हाथ से तो से इसमें तृतीय विभक्ति लग रही है कोसा इसमें पंचमी भक्ति लग रही है निर्धने पे इसमें कौन सी भक्ति लग रही है निर्धने पे चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हो रहा है ग्रामे ग्रामे इसके अंदर कौन सी भक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें प्रयोग हुआ है सप्तमी भक्ति का अधिकरण कारक का और धनम में द्वितीय भक्ति कर्म कारक का प्रयोग हुआ है तो इसी प्रकार अपने छह कारक होते हैं संस्कृत में जैसे क्वेश्चन आए कि कारकाणी कति सन्ति कारक कितने होते हैं तो ऑप्शन मिलेंगे आपको सत्य सत्य अष्ट और पंच तो इसी तरह आपको कारकों की संख्या के ऊपर आपको सत वाला जो ऑप्शन मिले या सड वाला जो ऑप्शन मिले उसके ऊपर आपको ठीक करना है ठीक है तो इसी तरह से अब मैं आपको जैसे प्रश्न कारक का जो पहला है कर्ता कारक अब हम इसको ध्यान से डिटेल से पढ़ेंगे एक एक कारक करके तो आप ध्यान से देखना जैसे कारक का एक सूत्र है कर्ता कर्म करणम संप्रदानम तथेच अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि सति कर्ता कर्म
कर्ता कर्म करणम संप्रदानम तथ्योच कर्ता कर्म करणम संप्रदानम तथ्योच कर्ता कर्म करणम संप्रदानम तथ्योच अपादानाधिकरणम 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 इत्ते आहु इत्याहु कर्माणि सत् ये कार्य कितने होते हैं छह होते हैं देखो पहला ये श्लोक है कर्ता कर्म करणम संप्रदानम तथ्योच अपादानम अधिकरणम इत्याहु कर्माणि सत् जैसे हमने पीछे छह कार्य पढ़े हैं तो इसमें पहला था कर्ता दूसरा था कर्म तीसरा था करण चौथा था संप्रदान पांचवा था अपादान और सातवां छठा था अपना अधिकरण जिसमें विभक्ति थी सप्तमी विभक्ति तो उसी तरह से इसलिए इसके माध्यम से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि छह कार्य कौन कौन से होते हैं। अब हम देखो यहाँ पर जैसे कर्ता कर्म करणम संप्रदानम तथ्योच मतलब कर्ता कर्म करणम संपादन और उपादान और अधिकरण ये छह कारक कहे गए हैं और यहाँ कारकों और विभक्तियों का सामान्य परिचय मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे कारक क्या होता है जैसे प्रथम प्रथम विभक्ति या जो मान लो आप कर्ता कारक कारक कौन सा है कर्ता कारक प्रथम पुरुष का एक वचन होगा यदि कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी।
ठीक है। तो ऐसे ही आपको संस्कृत से हिंदी से संस्कृत बनानी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं वापस से आपको ये रिवीजन में सारी बातें डिटेल से बता रही हूँ ताकि आपको ये वाक्य शुद्धि संशोधन और कारक विभक्ति और एक है अपना टॉपिक का जो वाच्य परिवर्तन है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इन चारों का सम्मिलित रूप है, ये चारों ही यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसमें एक सहभागिता होती है जो अपने पढ़ते होते हैं उनकी। तो राम है पढ़ते, राम स्वतंत्र है, स्वकर्ता हमेशा क्या होता है स्वतंत्र स्वतंत्र होता है। तो इसका जो सूत्र है स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है। राम है पढ़ते, राम पढ़ता है। अब देखो यहाँ पर यानी पठन क्रिया यानी पढ़ने का जो कार्य है वो क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करने वाला जो होता है वो यहाँ पर कौन है, राम है। यानी क्रिया को स्वतंत्र रूप से पूर्ण करने वाला राम है, यानी पढ़ने वाला कौन है, राम है। अतः यही करता है और यही करता है वो कौन सी विभक्ति का आएगा, प्रथम विभक्ति का होगा। तो इसलिए यहाँ पर विभक्ति कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, प्रथम विभक्ति होती है। अब इसी तरह जैसे कर्मवाच्य होता है अपना जो वाच्य होते हैं तो कर्तरी कर्मवाच्य में कर्म में प्रथम विभक्ति होती है, मैंने बताया था ना। जैसे कर्तरीवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है, ठीक है। कर्तरीवाच्य में कर्ता कर्म और क्रिया। तो देखो कर्तरीवाच्य में कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथम विभक्ति है। क्यों लगती है, क्योंकि कर्ता इसके अंदर कर्ता प्रधान होता है तो इसलिए कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति लगी है, प्रथम विभक्ति लगी है। अब देखो कर्म में कर्म प्रधान होता है तो यहाँ पर कर्म में प्रथम विभक्ति लगी है, ठीक है। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही चलती है, कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन का होगा तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्ता अगर बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की ही लगेगी। अब यहाँ पर कर्म है, कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी और इसमें कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलेगी। तो कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की ही आएगी। अब इसी तरह कर्म है, अब यहाँ पर जब हमने वाच्य परिवर्तन करते समय ये बताया था कि कर्ता अगर एक वचन का होता है, कर्तरीवाच्य में कर्ता एक वचन का होता तो कर्मवाच्य में वही तीसरी विभक्ति में ये प्रथम विभक्ति का होगा तो ये तृतीय विभक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये इसमें कर्म प्रधान होता है तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तो क्रिया इस कर्म के अनुसार लगेगी, क्रिया किसके अनुसार लगेगी, इस कर्म के अनुसार लगेगी। अगर कर्ता में कर्म में प्रथम विभक्ति कर्म में प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम विभक्ति का एक वचन क्रिया भी प्रथम विभक्ति की ही लगेगी, प्रथम पुरुष की ही लगेगी। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है तो इसमें भी प्रथम विभक्ति ही होगी, इसके अंदर वो होता नहीं है, क्या नहीं होता है, कर्म होता है, कर्म वो होता है और इसी के अनुसार विभक्ति लगेगी। तो इसी प्रकार इस जो कर्ता होता है इसमें ये लगे कर्म में प्रथम विभक्ति, कर्म वाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथम विभक्ति होती है। जैसे मया ग्रंथम पठ्यते, जैसे मया ग्रंथम पठ्यते, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि कर्म वाच्य में कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा, तो ये अहम होता है इसमें प्रथमा, अहम का कर्ता में परिवर्तन किसमें हुआ है, मया में हुआ है। और यहाँ पर ग्रंथ में ये कर्म है, ये तो हो गया कर्ता, ग्रंथ हुआ कर्म और यहाँ ये हुई क्रिया, ठीक है। तो कर्ता प्रथम विभक्ति के एकवचन का है तो इसके अंदर आपको बताया था कि कर्तरीवाच्य में तो प्रश्नपदी धातु चलती है, ठीक है, और कर्मवाच्य में वो प्रश्नपदी धातु है वो आत्मनेपद पद में बदल जाती है। और आत्मनेपदी में बदलने का मैंने तरीका भी आपको बताया था कि जैसे धातु होती है, जैसे पट धातु है
पठ धातु में ये जोड़कर क्या लगा दो, एक वचन में ते लगा दो, ये प्रथम पुरुष के एक वचन में लगा दो ते, द्विवचन में लगा दो ये के, और बहुवचन में लगा दो ये ते, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा पठ्यते, पठ्यते यहाँ मतलब पठ धातु, ये तो मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया कि पठ धातु है, लेकिन आप ये किसी भी धातु के साथ में लगा कर शब्द बना सकते हो, और अपना वाच्य है वो ओनली लट लकार का ही है, ठीक है, लट लकार के परिवर्तित करना है। ये हो जाएगा पठ्यते द्विवचन में, और बहुवचन में हो जाएगा पठ्यते, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है, ये मैंने जब से आपको कार्य स्टार्ट किए थे तब मैंने बताया था कि संबोधन में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, प्रथम विभक्ति होती है। जैसे हे बालक, हे बालक, ठीक है, यानी किसी संज्ञा आदि शब्द का अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रा, इन आदि को प्रकट करने के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तथ्य विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि विभक्ति के प्रयोग के बिना कोई भी शब्द का अर्थ देने में यानी समर्थ नहीं होता है, यानी शब्द का अर्थ देने में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी इसीलिए इस विषय में प्रसिद्ध कथन है कि अपद, ठीक है, कि अपद यानी बिना विभक्ति के पद, ठीक है, यानी अपद का प्रयोग नहीं किया जाना करना चाहिए, यानी बिना विभक्ति के पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखो इसमें बताया है कि लिंग, परिमाण, वचन, मात्रा, इनके योग में हमेशा प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लिंग देखो जैसे बलदेव है, जैसे लिंग पुलिंग स्त्रीलिंग पुंसकलिंग जो भी है, ये सारे जैसे बलदेव है, पुरुष है, लघु है, लता है, तो इन सब में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है यानी इति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वयं एवं यशवंता इति नाम ना जायत जानित है, स्वयं यानी स्वयं यानी हम सब, इमम यानी यशवंता यानी यशवंत, इस इति यानी इस नामना यानी नाम से ज्यादा में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर हो गई हमारी प्रथम विभक्ति कम्प्लीट। अब देखो प्रथम विभक्ति, बस आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि प्रथम विभक्ति में हमेशा कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है, और आगे है कर्म कारक, तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो देखो कारककर्ता हमेशा कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, समझ में आया क्या यहाँ तक, समझ में आया क्या श्रुति? यस मैडम। अब आगे देखो अपनी है द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक, आवाज आ रही है क्या? यस मैडम। तो कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभिधेय परिधेय समय निक्षा हाय प्रति बिना योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कर्ता क्रिया के द्वारा, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, ये बात मैंने बताई थी ना, जो कर्ता होता है क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, जिसका सूत्र मैंने आपको लिखवा भी रखा है, कर्तुरीक्षिततम कर्म, ठीक है, कर्तू
किसी की कर्म संज्ञा होती है। जैसे राम है ग्रामम गच्छति, जैसे राम है ग्रामम गच्छति। अब देखो कर्ता है वो क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, तो उसमें ही कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। समझ में आई क्या ये बात? श्रुति यस मैडम। राम है कर्ता, ध्यान से देखना, क्या राम है कर्ता? ग्रामम है क्या है? कर्म है। ग्रामम में क्या है? कर्म है। और गच्छति क्या है? क्रिया है। ठीक है, कर्तुरीप्सितं कर्मम, यानी कर्ता क्रिया के द्वारा, इसका अर्थ होगा कर्ता क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता है, ठीक है, कर्ता कौन है? राम है। गच्छति है, गच्छति क्या होगी? यहाँ पर क्रिया होगी। तो कर्ता है वो क्रिया के द्वारा, राम जाता तो है लेकिन सबसे प्रिय जाने की जगह उसको क्या है? ग्रामम, गांव है। तो ये जो कर्म है, कर्म में कौन सी भक्ति लगी है? अपन यहाँ पर कौन सी भक्ति लगाई है? द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया है। तो यानी कर्ता है वो क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसमें कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा होगी जहां पर, उसमें कौन सी भक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा। कर्म संज्ञा में हमेशा कौन सी भक्ति लगती है? द्वितीय भक्ति लगती है। तो यहाँ तक समझ में आया क्या? यस मैडम। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस ये जो करवा रही हूँ, ये आपको जो समझ में नहीं आए वो आपको आप मुझे अगली क्लास में पूछ सकते हो। और इसके वाक्य हैं वो आपको लिखने हैं, अपने खुद को बनाने हैं और पढ़ना है, रिविजन अच्छे से करना है बेटा। आप इस भरोसे मत रहना कि हमारे भी पता नहीं एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, आपके एग्जाम जरूर होंगे। आप अपनी जैसी तैयारी पहले से करते आ रहे हो, मतलब प्रेजेंट में जैसी तैयारी आप कर रहे हो, तो उस तैयारी से आप वंचित नहीं रहो, मतलब आपको वंचित नहीं होना है, आपको उस तैयारी को रेगुलर करते रहना है। तो ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।